एक बार पड़ोसी राज्य के सम्राट ने शहंशाह अकबर को दावत के लिए आमंत्रित किया, जिसमें शहंशाह अकबर, मंत्री बीरबल और कुछ सिपाहियों के साथ वे दावत में सम्मिलित होने जाते हैं। दावत अच्छे से हो जाने के बाद सम्राट शतरंज का खेल देखने के लिए शहंशाह अकबर से अनुरोध करते हैं। देखते देखते सम्राट का मंत्री किसी पड़ोसी राज्य के मंत्री को शतरंज में हरा देता है। फिर सम्राट शहंशाह अकबर से कहते हैं कि आपके महल में ऐसा कोई है जो मेरे मंत्री को शतरंज के खेल में हरा सके। यह सुनकर शहंशाह अकबर मंत्री बीरबल से शतरंज खेलने को कहते हैं। जी हुकुम। सम्राट कहते हैं, दाव पर आप क्या लगाते हैं? आप ही बताइए, हमें आपके 1000 हाथी चाहिए। ठीक है, और अगर हम जीते तो? आप ही बताइए। बीरबल, दाव पर क्या जीतना है? हुजूर, हमें तो इनसे एक अनाज का दाना चाहिए। क्या मतलब है आपका? शतरंज में 64 खाने होते हैं, हमें 64 खाने तक हर खाने में अनाज के 2 गुने दाने चाहिए। सम्राट सोचने लगते हैं, आपका तात्पर्य क्या है? पहले खाने में 1 अनाज का दाना, दूसरे खाने में अनाज का 2 गुना दाना, इसी तरह तीसरे खाने में 2 के 2 गुने यानी 4 दाने, इस तरह हमें 64 खाने तक अनाज के 2 गुने दाने चाहिए। बस इतना ही? ठीक है। फिर दोनों मंत्रियों के बीच शतरंज का खेल शुरू होता है। दोनों मंत्रियों के बीच कांटे की टक्कर होती है। अंत में मंत्री बीरबल शतरंज के खेल में जीत जाते हैं। हारने के बाद सम्राट शहंशाह अकबर को शतरंज के 64 खाने बराबर अनाज के दाने देने लगते हैं। जब सम्राट के मंत्री अनाज देने के लिए गणना करते हैं तो वे देखते हैं कि महल का सारा अनाज शतरंज के मात्र 32 खानों में ही समा गया। यह जानकारी वह अपने सम्राट को देता है। सम्राट समझ जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें माफ करें, हम इन 64 खानों के बराबर अनाज देने में असमर्थ हैं। बीरबल, यह तुमने कैसे किया? हुजूर, शतरंज के 64 खाने बराबर अनाज देना इन्हीं के लिए संभव नहीं, बल्कि सारे महाराजाओं के लिए असंभव है, क्योंकि दुनिया का सारा अनाज भी शतरंज के 64 खानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने आपके मंत्री बीरबल को साधारण समझा, लेकिन आपके मंत्री बीरबल जैसा कोई नहीं। मान गए बीरबल तुम्हारी चतुराई को,